Hey viewers, आज एक बहुत मजेदार प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ एंड इसमें बहुत अमेजिंग आर्टवर्क हुए हुए हैं एंड जिनका ये है वो एक आर्टिस्ट ऑलरेडी हैं, तो उन्होंने बहुत सारा आर्टवर्क करा हुआ है इसके आसपास। जैसे मेरे पीछे आप आर्ट देख रहे हैं, ऐसे आपको पूरे घर में दिखेगा। 500 गज का है एंड इसमें एक ही फ्लोर अवेलेबल है, दिस इज सेकेंड फ्लोर। आपको एंट्री से देकर चलते हैं, 500 गज का है और क्या वर्क करा हुआ है आपको समझ आ जाएगा। लुक एट द अमेजिंग डोर, यहाँ से एंट्री शुरू है। एंट्री के साथ आपको ब्यूटीफुल आर्ट वर्क मिलता है। एंट्री के साथ आपको यहाँ पे भी आर्ट वर्क दिखेगा, लाइक अगर आप एंटर करते हैं स्टेयर्स पे, यू कैन सी दीज आर द वर्क। एंड आप ये देख सकते हैं वुड वर्क हुआ हुआ है आपका पूरा। अगर हम रेलिंग की बात करें तो जब आप ऊपर आते हैं एंड देन एंट्री करते ही ये ग्रैंड एंट्री के साथ आपका पूरा फ्लोर पे इनले वर्क हुआ हुआ है। इनले वर्क आपका अंदर भी हुआ हुआ है घर पे। तो दिस विल बी योर ग्रैंड एंट्री। लुक एट द डोर एंड दिस इज कस्टम मेड। आपका पूरा यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है फॉर द सिक्योरिटी ऑल्सो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स लगा हुआ है, नीचे आपका इंटरकॉम लगा हुआ है हाउ कैमरे के साथ, लाइक अगर कोई भी आता है तो यू कैन टॉक टू एनीबडी। तो आपकी प्रीवीसी है, कार्ड एंट्री है। अगर आप लिफ्ट में भी जाते हैं तो कार्ड से ही एक्सेस होगा, कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता विदाउट कार्ड। ये आपकी एंट्री आ जाती है। आपके दो बेडरूम आ जाते हैं लेफ्ट पे जब एंटर करते हो तो, और आपके दो आ जाते हैं राइट पे, तो फोर टोटल बेडरूम हो जाते हैं। तो हम पहले राइट साइड के बेडरूम्स कवर करेंगे, ठीक है। राइट पे चलते हैं, आपका पाउडर रूम भी आ जाता है एंड पाउडर रूम पे आप देखिए कितना अच्छा आपका वर्क हुआ हुआ है एंड देन यू कैन सी ऑल्सो द लाइटनिंग एंड दिस इज रियली एक्सपेंसिव स्टोन। अगर आप ये स्टोन देखते हैं तो दिस इज रियली एक्सपेंसिव। और आपके अच्छी फिटिंग हुई है, जैगवार की फिटिंग है बाथरूम में एंड वीआरवी लगे हुए हैं आपके हर एक रूम में। तो आपका सेंट्रलाइज एसी है। दिस विल बी योर फर्स्ट बेडरूम एंड फर्स्ट बेडरूम के साथ आपका प्राइवेट बालकनी है। दिस विल बी द बालकनी ऑल्सो। आप बालकनी देख सकते हैं, प्रीवीसी पूरी है एंड देन दिस विल बी योर बाथरूम। आप बाथरूम भी देखेंगे तो ह्यूज है, साइज इज ह्यूज। एक बार लाइट ऑन कर देते हैं, लुक एट द साइज ऑफ दिस बाथरूम, दिस इज ह्यूज। एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं कि वार्डरोब भी अंदर ही है आपका बाथरूम के। एंड देन हम जब दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं, आ जाइए, दिस विल बी योर सेकेंड बेडरूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनफ स्पेस है ना, आपको वेंटिलेशन पूरी मिलेगी प्लस आपका ग्लासी विंडो बना हुआ है, अच्छा स्पेस है, वार्डरोब आपका सामने एंड देन आपका अच्छे साइज का बाथरूम है विद अ डिफरेंट थीम। यू कैन सी इटालियन हुआ हुआ है पूरा फ्लोर पे ऊपर भी एंड देन आपका जैसे मैंने बताया जैगवार की फिटिंग है, गीजर्स आपको लगे हुए मिलेंगे जैगवार के। एंड देन हम चलते हैं तीसरे बेडरूम की तरफ और सबसे अमेजिंग लगेगा मैं आपको दिखाऊंगा एंड में, किचन इनकी बहुत ह्यूज है। तो दिस विल बी योर थर्ड बेडरूम। यहाँ पे भी आपको बालकनी मिलती है एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस रूम विच इज़ रियली गुड। एंड देन अगेन आप देख सकते हैं ऊपर वीआरवी लगा हुआ है एंड अलग ही थीम पे। अगर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको लिविंग रूम पे दिखाया तो ऊपर आपका फॉल सीलिंग पे वुडन फिनिश करा हुआ है, ऐसे यहाँ पे आपका अमेजिंगली वर्क करा हुआ है पूरा इस पे। एंड आपकी बालकनी है इसकी एंड आपका जो आउटर कंसोल होता है जो वीआरवी का होता है डाइकन का, दैट इज़ ऑल्सो आउटसाइड। मैं आपको बालकनी बाद में दिखाता हूँ जब मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा। दिस विल बी द बाथरूम एंड तीनों बाथरूम के साइजेस आप देखिए कितने ह्यूज हैं, द साइज इज़ ह्यूज। एंड देन आप ये देख सकते हैं कि आपके कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो यू कैन पुट योर थिंग्स हियर, आप देख सकते हैं। एंड देन आपकी आपके वार्डरोब इधर है, यू कैन सी द वार्डरोब, ही एंड शी का दोनों का इनफ स्पेस है इसमें। एंड अब हम चलते हैं चौथे बेडरूम पे, दैट इज़ द ह्यूज बेडरूम, दैट इज़ द मास्टर बेडरूम। तो दिस विल बी योर मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं ऊपर वुडन थीम पे हुआ हुआ है, तो आपका वुड वर्क हुआ हुआ है आपका फॉल सीलिंग में, हाइट भी सीलिंग की अच्छी खासी है एंड देन यू कैन सी इटालियन वर्क हुआ हुआ है। एंड ये वाइट थीम पे पूरा आपका वाइट पे पूरा बना हुआ है ये मार्बल पे। एंड देन दिस विल बी योर सिटिंग एरिया जहाँ पे आप बैठ सकते हैं जब व्हेन यू आर इन द बाथरूम। आपके दो सिंक हैं, अगर आप देखेंगे तो अगर आप कपल हैं तो दोनों एक साथ रेडी हो सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड देन यू हैव ग्लासी ग्लासी वार्डरोब, आप देख सकते हैं ग्लास का बना हुआ वार्डरोब है। एंड देन इसका भी आप देखेंगे तो डोर सेट लगा हुआ है एंड ये ब्रास का है, तो हैवी ड्यूटी है आपके जो डोर के हैंडल्स हैं। अब मैंने आपको चारों बेडरूम दिखा दिए, अब दिस विल बी योर लिविंग एरिया
एंड यहाँ पे अमेजिंग आर्ट वर्क दिखेगा आपको. आप देखिए एक एक पेंटिंग, ये 10-10, 12-12 लाख रुपए की पेंटिंग है. एंड आप देख सकते हैं राजा महाराजाओं वाली स्टाइल में बना हुआ है. लाइक पीछे भी देखेंगे तो आप महाराज जी खड़े हुए हैं विद देयर, दे हैव देयर शॉर्ट ऑल्सो, आप देख सकते हैं. तो ये आपका लिविंग एरिया हो जाता है जहाँ पे आपका इनले वर्क हुआ हुआ है. मैंने जहाँ पे इंट्रो दिया था दिस वॉज द आर्ट, यहाँ पे भी आपकी पेंटिंग लगी हुई है जो कि फ़िट करनी है. अभी फ़िट नहीं करी, आप अपने हिसाब से फ़िट कर सकते हो अगर आपको ये पेंटिंग चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो भी चलेगा. एंड देन दिस विल बी योर बार काउंटर, यहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस आ जाएगा. एंड यहाँ पे आपकी लिविंग एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा सेटअप बन जाएगा जहाँ पे आपका टेलीविजन आ जाएगा. एंड देन यू कैन सिट हियर एंड चिल विद योर फैमिली. दिस विल बी योर बालकनी, जो डेक एरिया आ जाता है, आप सुबह की कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा. एंड आसपास अगर आप देखेंगे तो ओपननेस मिलेगी आपको, ग्रीनरी मिलेगी, ओपननेस मिलेगी, एक अच्छी फीलिंग है यहाँ पे. तो अगर हम लग्जरी के बारे में बात करेंगे तो लग्जरी में आपको डेफिनेशन में मिल जाता है कि यू हैव क्वालिटी थिंग्स, लॉन्ग मेंटेनेंस वाली चीज़ें जो आपकी लॉन्ग लास्टिंग चले. आप शैंडलर देखिए, शैंडलर भी कितना अच्छा लग रहा है इधर. एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो सबसे प्यारी यूएसबी है, दैट इज़ किचन. नाउ विल कवर दिस किचन एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस किचन, आपको देखकर मजा आ जाएगा. शैंडलर भी लगा हुआ है, दिस इज ह्यूज. आप अगर फिटिंग देखेंगे तो यहाँ पे जो कस्टमाइज फिटिंग हुई हुई है, एंड दिस इज ऑल ब्रांडेड, द थिंग्स आर ब्रांडेड, लाइक यू नो हैवी ड्यूटी चीज़ें लगी हुई हैं. आपको हॉफ एंड चिमनी मिलेगा, एंड देन आपका माइक्रोवेव ओवन भी मिलेगा आपको फिले का. एंड देन दिस विल बी योर डिश वॉशिंग एरिया, यहाँ पे आपका ड्राई जोन हो जाएगा, यहाँ पे वेट जोन हो जाएगा, यहाँ पे डिश वॉशिंग हो जाएगी. लुक एट दिस शैंडलर ऑल्सो, आपको ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पे पूरा ब्यूटिफाई कर ही लगाया हुआ है सारी चीज़ें, लाइक प्लानिंग के साथ. प्लस आप किचन में देखेंगे दिस विल बी योर फ्रिज एरिया, ये पैंट्री का हो गया. एंड लुक एट द क्वालिटी, द क्वालिटी इज़ गुड, इट्स नॉट चीप. आप यहाँ पे अपना फ्रिज लगाइए, एंड देन आपका ये स्टोर एरिया बन जाएगा. सर्वेंट के लिए आपका प्रोविजन दिया हुआ है नीचे, दिस विल बी योर स्टोर एरिया जहाँ पे आप अपना राशन वगैरह रख सकते हैं जो किचन के लिए है. बाकी आपके ऊपर है कैसे आपको रखना है. यहाँ पे आपका वेजिटेबल रह सकता है, ड्राई वेजिटेबल जो हमारे प्याज और आलू होते हैं वो. तो इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा दिखा दिया, बस आपको पीछे की बालकनी रह गई है जो कवर करनी है. तो वी कैन कवर दिस. ये दोनों बेडरूम्स हैं, जो थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम दिखाया था उसकी ये कॉमन बालकनी है. एंड दिस इज़ रनिंग बालकनी. आपको यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पॉट मिल जाता है जहाँ पे आप अपना वॉशिंग का सामान रख सकते हैं, इवन वॉशिंग मशीन भी इधर रख सकते हैं अगर किचन में नहीं रखना तो. एंड वीआरवी का आपको पूरा दिखा दिया मैंने, ये पूरा केस ये भी यहीं पे लगा हुआ है आपका. दिस इज़ ऑल्सो ठीक है. एसी के जो आउटर बॉक्सेस हैं आपके पीछे वाली बालकनी में लगे हुए हैं, तो दैट विल बी इट. तो ये प्रोडक्ट आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, जैसे हम बता रहे हैं अंडर वैल्यूड. दिस इज़ अ अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट. अंडर वैल्यू इसलिए क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो एक यूएसपी है. एंड मेरे को पता है 500 गज का फ्लोर आपको डीएलएफ फेज वन में किस प्राइस पे मिलना चाहिए, आप कमेंट कर ज़रूर बताना. ये आपको उसी प्राइस में मिलेगा, 5 रुपये में थोड़ा सा ऊपर, लाइक यू नो 5.5 करोड़ के आसपास की प्राइसिंग है इस प्रोडक्ट की. अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, वी हैव सेकेंड फ्लोर, नॉर्थ डायरेक्शन का प्लॉट है. आपको अच्छी खासी सनलाइट आती है और यहाँ पे एम्पल ऑफ लाइट है ऑलरेडी. तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको इसका वर्क करा हुआ अच्छा लगा, अगर आपको आर्ट वर्क भी सही लगता है तो प्लीज़ डू विजिट दिस फ्लोर. अगर आपको फ्लोर चाहिए एंड आपका बजट है 5-5.5 करोड़ रुपए तक का, तो यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए. एंड थैंक यू, ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी लाता रहूँगा.